अपनी बाकी का रिश्ता ऐसे घर और ऐसे परिवार में करते जहां बेटे की शादी की उम्र में बाप हनीमून पर जा रहा हो। आप बताइए जॉलीबिन, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर और ऐसे परिवार में करेंगी? उस दिन मिसेस शाह बेहोश हुई थी, इन्होंने आपके बेटे को काव्या के साथ अपने ही बेडरूम में रंगरलियां मनाते पकड़ा था। तुम में तो इस बेशर्म आदमी का खून है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। होंगे, खाना पूरा होने से पहले ही सब कुछ, मेरे बच्चे भूखे होंगे, बाबूजी को भी दवाई देनी है। फिर उन्हें कुछ खिला देती हूँ, फिर दवाई दे दूंगी। दोस्तों फल खा ले। बापूजी, बापूजी थोड़ा दूध बिस्किट खा लीजिए, फिर दवाई भी खानी हो। चलिए ना बापूजी, बेटी की बात नहीं मानेंगे। मैंने तो तुम्हें बेटी माना, पर तू मुझे पिता मान नहीं सकी। मैं ससुर था और ससुर भी है क्या? पिता मानती तो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाती नहीं, हक से आके शिकायत करती। बापूजी, आप जितना मर्जी मुझे डांट लीजिए, पर दवाई खा लीजिए। नहीं खाऊंगा, क्यों खाऊं? जब इस घर में सब लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा, वही करूंगा। पूछा था मैंने तुझसे पूछा था, एक बार नहीं 100 बार पूछा था कि बता क्या बात है, क्या बात है बता, तो तू नहीं बताए। मुझे लगा ये पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने तुझे मजबूर भी नहीं किया। अरे बहू नहीं बता सकती थी, बेटी तो बताती। 15 ने जो किया सो किया, तूने क्यों नहीं बताया? क्या तुझे ऐसा लगा कि हम उसके माँ बाप है तो उसकी तरफदारी करेंगे? नहीं बाबूजी, ऐसा जरा भी नहीं था। तो क्यों नहीं बताया? डर गई थी बाबूजी, मन तो किया था कि आप दोनों के पास भाग कर आऊं, बाकी गोद में सर रख के फूट फूट के रो और आपसे शिकायत करूं कि बाबूजी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, पर नहीं कर पाए क्योंकि मैं डर गई थी। डर गई थी कि सच अगर आपको बता दिया तो आपका आपकी परवरिश पर से विश्वास उठ जाएगा। मैंने सोचा कि मेरे भाग्य में जो दुख लिखा था वो मुझे मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस दुख की परछाई भी मैं आप पर नहीं पड़ने देना चाहती थी बापूजी। पर मैं भूल गई थी कि हम सभी एक ही हाथ की उंगलियां हैं,
उंगली अलग अलग हो सकती है पर हथेली तो एक ही है और भाग्य अभी मैंने बस आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर गई थी बाबू जी मैं डर गई थी मेरी वजह से आप दोनों को दुख पहुंचा उसके लिए सॉरी बापू जी सॉरी आप मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दीजिए आप चलिए दवा खा लीजिए खा लीजिए ना बापू जी ले काली अब बता बता ये सब कब और कैसे हुआ सबको पता था और तू तो मेरा बड़ी है ना तुझे भी जरूरी नहीं लगा मुझे बता तुमसे तो क्या शिकायत करूं जब बेटी ने मुझे अंधेरे में रखा तो तुमसे क्या शिकायत हमें पता नहीं था तो नहीं बताया पर अब तो बता सकते हो ये सब कब से चल रहा है अरे कोई बताएगा भी आप शांत हो जाइए ना बापू जी छोरा तो हो गए बार बार कुरेदने से घाव भरता नहीं है और खेरा हो जाता है अरे नहीं यहाँ किसी ने प्रवचन देने नहीं कहा है तो पूछ रहे उसका जवाब दे मैं समझ सकती हूँ कि तू डर गई थी पर अब हम सब जान चुके हैं तो तू क्यों छुपा रही है हमें सच जानना है और पूरा सच कब से चल रहा है ये सब आठ साल से आठ साल से
खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा तो। शर्म आ रही है मुझे कि मैं तेरी माँ हूं। देख, देख इसे। जब से घर में बहू बनकर आई है तब से मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी कमियां देखी है। न इसके गुण, न उसका सेवा भाव, न उसकी सहन शक्ति, न उसकी धीरज, कुछ नहीं देखा। देखा तो क्या कि बस ये मेरे बेटे के लिए लायक नहीं है। पिछले 25 साल में इसे सुनाने का, डांटने का, ताने मारने का एक भी मौका मैंने नहीं छोड़ा है। मेरी सास तो कब से चल बस, फिर भी आज तक उसे मैं कोसती कि उसने मेरे हीरे जैसे बेटे की किस्मत में ये कोयला लिख दिया। पर मुझे पता नहीं था कि यही हीरा हमारे बुढ़ापे में हमारा मुंह काला करेगा। पच्चीस साल में जब पहली बार इसने तुम्हें खाना नहीं परोसा ना, तब भी मुझे ये नहीं लगा कि गलत तुम हो। मैंने इसे ही कोसा, इसे ही दोष दिया कि उड़ने लगी है, महारानी बन गई है, दिमाग खराब हो गया है, क्या क्या नहीं कहा इसे। यही समझती आई कि गलत ये है, पर इसने नहीं कहा कि गलत ये नहीं, गलत तुम हो। ससुर से पिता बन गए, पर मैं क्यों ना अच्छी माँ, अच्छी सास बन पाई। पागल पागल थी मैं, अंधी हो गई थी ममता में। मेरा वनराज कैसा है? ऐसा है, पैसे कमाता है, मेहनत करता है, पूरे घर की जिम्मेदारी निभाता है। अरे तेरे गुणगान गाते ना मेरी जीभ नहीं थकती थी। अरे गर्व था मुझे मेरे वनराज पे। जो तू कहेगा ना वही होगा इस घर में, तुझे जो पसंद है वही खाना बनेगा। अरे तुझे जो पसंद नहीं है ना वो मैंने भी नहीं खाया और मेरे पूरे परिवार को भी खाने नहीं दिया। आज सोच रही हूँ कि क्यों क्यों तुझे इतना सर पे चढ़ाया। ये बाहर वाली है, फिर भी इसने हमारा, इस घर का, इस परिवार का सोचा। अरे पर तू तो अपना घूमता, एक बार भी नहीं सोचा। अरे उस राखी के सामने हमें बोलने लायक नहीं छोड़ा। ये लीला जो सबको सुनाती है वो आज चुपचाप सुन रही थी। क्यों? क्योंकि उसने तेरे जैसे नालायक और बेशरम बेटे को पैदा किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।
लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।